हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। हैप्पी न्यू ईयर मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मेरा जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो गया है, और ये जो ब्लॉग है ये 1 जनवरी को जाएगा। आज है 31 दिसंबर। और मेरा जो आजकल रूटीन है ना, तो कभी कभी रूटीन में आ जाती हूँ 10 दिन, और कभी कभी जो है 4-4, 5-5 दिन वीडियो नहीं जा पा रही है। और अभी मेरे यहाँ ठंडी भी खूब पड़ने लगी है। आज तो धूप नहीं है, वैसे कोहरा कोहरा सा है, और धूप थोड़ी थोड़ी सी निकली हुई है। तो मैं आज ये वाली साड़ी पहन ली हूँ, क्योंकि आप लोग साड़ी की वीडियो ज़्यादा पसंद करते हैं और सूट की कम पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं धूप थोड़ी थोड़ी निकली है, और कोहरा पड़ रहा है, धूप भी है। और जो ये धूप है ना, अच्छे से नहीं लग रही थी शरीर में। और मैं कपड़े वैसे बिना ड्रायर किए हुए डाल दी थी, ज़्यादा धुली भी नहीं थी। तो जो कपड़े थे ना मेरे, सूखे भी नहीं थे, क्योंकि मशीन के अगर होते ना तो सूख जाते, और हाथ के धुले हुए कपड़े कम सूखते हैं, या तो उसे मशीन में ड्रायर कर दो तब सूख जाते हैं अच्छे से। और मैं आलस के मारे ड्रायर भी नहीं की, वैसे ही डाल दी, क्योंकि बहुत थोड़े कपड़े थे ना इसलिए। और ये सूखे नहीं, फिर दोबारा से मुझे कपड़े फिर से डालने पड़े थे दूसरे दिन। और दूसरे दिन अच्छी धूप हो गई थी, तो जब अच्छी धूप हो जाती है ना तो सूख जाता है, और जब बदरी हो जाती है तो नहीं सूखता है। तो अगर एक दिन में सूख जाता है तो अच्छा रहता है, फिर हम कपड़े उतार के फोल्ड करके या कहीं भी जहाँ भी रखना रहता है रख देते हैं। और जब गीला कपड़ा रहता है ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कहाँ पे रखें, फिर इधर उधर रखना पड़ता है, और अंदर फिर डाल दो ना तो बदबू भी आने लगती है। तो यहाँ पे मैं कपड़ा डालने के बाद फिर नीचे आ गई थी, और ये प्याज ले आई थी ढेर सारी, और वही मैं देख रही थी बाहर निकाल के कि इसमें से खराब तो नहीं हो रही है। तो पहले भी ले आए थे छोटी छोटी, 3-4 किलो इकट्ठा ला दिए थे, और फिर मंडी से उठा लाए थे, पता नहीं हमें लगता 10-10 किलो रही होगी। तो जब से आई तो प्याज तो जो पहले ले आए थे वो वाली ख़त्म हो गई, वो वाली भी ऐसे जम गई थी। बस इतनी बड़ी नहीं थी, उसकी जो साइज थी वो छोटी थी, और ये बड़ी साइज की है। तो सभी प्याज जो हैं जम गए थे, क्योंकि अभी जमने का सीजन चल रहा है लहसुन प्याज का। तो घर में भी जो रखे रहते हैं लहसुन प्याज, वो भी जमने लगते हैं। तो ऐसे बोरी पे रख दी थी, तो देखिए कितने अच्छे से जम गए हैं, और एक भी सड़ी हुई नहीं है। वही मैं देख रही थी कि ऐसा ना हो कि बीच बीच में सड़ गई हो, जो ख़राब होने वाली हो तो उसको निकाल के रख दूँ, जमा दूँ छत पे। और छत पे अभी थोड़े बहुत गमले में मिट्टी डली हुई है, तो जो प्याज वगैरह जैसे ख़राब होने लगता है ना तो उसी में गाड़ देते हैं, तो फिर वो अच्छे से उसका जो पौधा और जड़ है ना अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पे मैं फ्राई चावल बनाने वाली हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ी सी प्याज भी काट लेती हूँ। और जब प्याज ज़्यादा आ गई ना तो फिर थोड़ा प्याज भी सब्जियों में ज़्यादा ही पड़ने लगी, कि ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए। और ख़राब होने से अच्छा है कि हम ज़्यादा ज़्यादा डाल के उसको ख़त्म कर दें। तो आज मैं बनाने वाली हूँ फ्राई राइस। तो यहाँ पे मैं चावल धुल के रख ली हूँ, मटर है, और ये तड़का लगाने के लिए लहसुन सब जीरा गरम मसाले हैं, और लहसुन है। इधर तो मैं प्याज छील ही ली हूँ। आज मैं सुबह बनाई थी घी, खाने वाला घी ख़त्म हो गया था। घी तो वैसे रखा था, लेकिन खाने के और पूजा करने वाला ख़त्म हो गया था, तो इतना घी जो है डिब्बों में नहीं आया है, इस डिब्बे में और पूजा वाले डिब्बे में नहीं आया। और मैं जो पाले घी बना के रखी थी ना, वो थोड़ा सा लाल हो गया है। उस दिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मैं यहाँ पे रख के चली गई, और फिर आज मैं चढ़ाने जा रही हूँ बड़ा वाला कुकर। मैंने बड़ा वाला कुकर निकाल लिया है, और जो मैं कुकर चढ़ाती थी ना उसका यहाँ पे कुछ भरा रहता है ना यहाँ पे, तो ये चीजें निकल गई हैं। तो यहाँ से जो है गैस निकलती है, और कुकर में गैस बनती ही नहीं है, तो मैंने बड़ा वाला निकाल लिया है। और जब हम फ्राई चावल बनाते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा फ्राई चावल कम पड़ जाता था, तो ये बाहर था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसी में बना लेती हूँ।
और दूसरा वाला कुकर मैंने ही निकाली, वो भी 3 लीटर का है, उसकी भी सीटी जो है यहाँ सीटी उसकी खराब है, तो मैं इसकी सीटी उसमें उसकी सीटी उसमें लगा के काम चलाती रहती हूँ। और मैंने एक बार मंगाया भी था सीटी, तो लोकल वाला दे दिया था, तो लोकल वाला मैं नहीं लगाई। तो यहाँ पे जब तक मेरा तेल गरम होता है मैं प्याज को कट कर लूँगी, और इसमें मैं टमाटर नहीं डालूँगी, बस जो फ्राई राइस है तो उसको मैं सिंपल सादा तरीके से बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे थोड़ा तड़का लगाने के लिए मैं पहले नाम बता दी हूँ और फिर बता देती हूँ कि लहसुन है, प्याज है और जीरा है, साबुत लाल वाली मिर्च है और कुछ गर्म मसाले हैं, तो यही सब डालती हूँ। अगर हम वैसे बता देते हैं अपनी रूटीन में से कुछ शामिल करके दिखा देते हैं आप लोग को, तो कुछ लोग ऐसे हैं ना कि बोलने लगते हैं कि दी आप अच्छे से रेसिपी का जो है नहीं बताती हो, तो इसलिए बताना पड़ता है। और ऐसा तो नहीं है कि किसी को बनाना नहीं आता, बनाना तो सबको आता है, बस हम लोग खाली एक आइडिया देते हैं और दूसरे से हम लोग आइडिया लेते भी हैं। जैसे कुछ भी बनाना होता है, कुछ भी जैसे नई रेसिपी बनानी होती है तो उसको यूट्यूब पे सर्च करके फिर बनाते हैं, और फिर उसमें सिर्फ हमें आइडिया मिलता है, चाहे हम दूसरे को सिखाएं या हम दूसरे से सीखें, तो बस एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ इसी तरीके से बनाना है, यही यही मसाले डालने हैं ना, और फिर उसमें अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगा के फिर बना लेते हैं तो अच्छा बन जाता है। और अगर हम दूसरे के सिखाए पे ही बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी अच्छा बनने वाला नहीं है, जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं मसाले ऐड कर दे रही हूँ, सूखे वाले धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, और फिर पानी उन्हें डालने के बाद फिर मैं नमक डाल दूँगी। और मैं नमक ऐसे पहले नहीं डालती हूँ, जब पानी डाल देती हूँ उसके बाद फिर लास्ट में नमक डालती हूँ, और बिना पानी डाले अगर मैं नमक डाल देती हूँ ना तो फिर या तो कम ही हो जाएगा या तो ज़्यादा ही हो जाएगा। मेरे यहाँ वैसे ही नमक कम खाते हैं तो मुझे अंदाज़ नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं हमेशा जो है चाहे सब्जी हो या फ्राई राइस हो पानी ऐड कर देते हैं, तब उसके बाद ही नमक डालते हैं। तो यहाँ पे मैं पानी ऐड कर दी हूँ और फिर ऊपर का ढक्कन लगा देती हूँ नमक डाल के, और ये जब तक मेरा जो है चावल पकेगा और मैं दूसरा काम कर लूँगी। यहाँ पे ये देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, और अभी आजकल ना सब्जियाँ हरी सब्जियाँ जो हैं खूब आ रही हैं, तो वैसे ही मेरे यहाँ हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए सब्जियाँ हमेशा आती रहती है। और ऐसा होता है ना कभी कभी कि लाने को टाइम नहीं मिलता है या ज़्यादा कुछ बनाने का कभी कभी मन भी नहीं होता है, तो फिर चलो कुछ हल्का फुल्का बना लेते हैं। और मैं यहाँ पे ना टिफिन दिखा रही थी, उसमें थोड़ी सी दही रखी हुई थी, और फिर मैं मलाई इसी में निकालती जाऊँगी, और दही अगर डाल के हम रखते हैं मलाई में ना तो फिर अच्छा निकल आता है, हमें मिक्सर से ज़्यादा मथना भी नहीं पड़ता है, और जो हम घी पकाते हैं ना वो पता नहीं क्यों जल्दी से पक जाता है। और पहले मैं वैसे रखती थी ना बिना दही डाले ना, तो जब घी पकाती थी तो उसमें बहुत ज़्यादा गाजा गाजा हो जाता था, तो बहुत टाइम लेता था पकने में। तो मुझे किसी ने कमेंट करके बताया कि दी आप ऐसा रखा करिए ना, तो जब आप मथते हैं तो जल्दी से खट्टा पक के घी भी निकल आएगा, और जो हम घी पकाते हैं आज पे तो पक भी बहुत जल्दी जाता है। तब से मैं ऐसे रखने लगे, और यहाँ पे मैं फ्रिज को भी साफ कर लेती हूँ, और ऐसे मैं अपना काम करती रहती हूँ, किचन में भी करती हूँ और जो वैसे काम रहता है उसको भी साथ साथ में निपटाती जाऊँगी। और ये कांच बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे तो मैंने सोचा कि चलो अभी मेरे पास टाइम है और मैं इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और ब्लॉग जो है ना थोड़ा थोड़ा शूट करते करते ज़्यादा ही हो जाता है, हमेशा मैं सोचती हूँ कि छोटी वीडियो बनाऊँ लेकिन बड़ी हो जाती है, थोड़ा थोड़ा जो काम होता है उसको ऐड करते जाते हैं ना तो लंबी वीडियो हो जाती है, और वैसे 12 से 13 मिनट का तो हो ही जाती है, और वैसे कोशिश करती हूँ कि कम की रहे, तो या तो फिर बहुत ज़्यादा काट के निकालना पड़ता है। और जो ब्लॉग वाली वीडियो होती है ना एडिटिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है इसमें,
तो यहाँ पे देखिए मेरा जो चावल है बन गया है, तो आप लोग भी आइए खा लीजिए। और मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ। और ठंडियों में अच्छा लगता है, सब्जियाँ डले रहते हैं, चाहे पोहा हुआ, फ्राई राइस हुआ, तो ठंडियों में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग भी आ जाइए फ्राई राइस खाने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।